Assalamu alaikum everybody, Shujaa Iman here with another episode of these a bit longer content, not a vlog but basically a lecture type of. So a disclaimer before everything that I had to include in a previous video also. I'm not a certified flight instructor, I'm just giving my opinion on things. Today I'm going to give my opinion on low visibility and how pollution is affecting our atmosphere in Pakistan. So, थोड़ी सी aviation की तरफ से भी लाते हैं, थोड़ी सी हम environmentalist भी बनते हैं और mix करके एक आपको video बना कर देते हैं. तो आपने अगर मेरी videos कभी ध्यान से देखी हो तो आपको शायद आपने I don't know if anybody noticed or not, लेकिन अक्सर visibility is low. आपको मतलब blurry background. अगर आप इस clip को compare करें जो लाहौर में shoot की गई है Cessna 152 पे, अगर आप इस क्लिप को कंपेयर करें जो यूके में खींची गई है या यूरोप में खींची गई है सेस्ना 152 पे, तो यू कैन सी व्हाट इज द अमेजिंग अमाउंट ऑफ डिफरेंस, हाउ क्लियर विजिबिलिटी इज आउटसाइड पाकिस्तान एंड हाउ डर्टी इज आवर विजिबिलिटी इन पाकिस्तान. तो व्हाट इज द रीजन? देखो, व्हेन इट कम्स टू विजिबिलिटी, व्हाट इज विजिबिलिटी? विजिबिलिटी इज बेसिकली द डिस्टेंस दैट आई कैन सी अहेड ऑफ मी. दिस इज नोन एज बेसिकली हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी. And it's included in the weather report of every airport. So, weather report pe thodi der baad aata hu. What is, I'm going to tell you what is basically instrument flight rules and VFR flight, visual flight rules. So there are two types of methods or rules according to which we can fly. One is instrument flight rules and IFR. IFR basically means ki we use a GPS and we use specific checkpoints to fly. And what is a visual flight rules or VFR? VFR is what I also do in my navigation flights. As you can see, we take different references on the point on the ground. Any reference point number one, for example, when I was doing Faisalabad ki nav ki thi, agar aapko yaad ho, to hum Ravi ke baad Sharukpur, Nankana Sahab, Jawala, aisa aisa karke Faisalabad, yani ground reference points leke hum Faisalabad pahunche the. So that is known as visual flight rules. So by law, by aviation law, visual flight rules is not allowed beneath 5 kilometers of visibility. पाकिस्तान में चलता है 4 तक 3 तक भी चल जाता है, 3 के बाद सख्ती आती. तो बाय लॉ इट्स नॉट अलाउड अंडर 5 किलोमीटर्स एंड उससे ऊपर फिर चलता है, लेकिन उससे नीचे बाय लॉ यू हैव टू फ्लाई IFR. तो अच्छा, मजे की बात ये है कि लाहौर में विजिबिलिटी 4 किलोमीटर से ऊपर भी कम ही चलती है एंड उसकी कुछ वजूहत है. विजिबिलिटी में रिडक्शन के 3 टाइप्स हैं. व्हाई इज विजिबिलिटी रिड्यूस्ड? नंबर वन, the most important that is going to be covered in this video, haze or smoke. Number two is mist and number two is fog. So what is haze? Haze is basically what you can see in this video. Dust particles are trapped into the air and these dust particles lead to an obvious reduction in visibility that we see during the year whilst flying at Lahore. So weather report, met kehte hain metal. तो मेटार इज बेसिकली ये देखो, ये जो गंध आपको गंध ही लग रहा होगा, OPLA पता नहीं क्या डेट नंबर शंबर, दिस इज नोन एज अ वेदर रिपोर्ट. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट हाउ टू डिकोड अ वेदर रिपोर्ट, लेकिन जो पहला है ना OPLA, दैट मीन्स लाहौर एयरपोर्ट. अच्छा, आगे ये 4000 आपको नजर आ रहा है, दिस मीन्स अ विजिबिलिटी इज 4 किलोमीटर्स. आगे जो लिखे है ना FU, दैट मीन्स स्मोक, या HZ भी लिखा होता है, दैट मीन्स हेज. तो बेसिकली दिस इज ड्यू टू पोल्यूशन. पोल्यूशन में आपकी जो स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इनटू द एयर एंड देयर. अच्छा, इन्वर्जन लेयर का भी एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर पायलट्स, आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट. सो व्हेन दिस डस्ट पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इनटू द एयर, देयर इज एन ऑब्वियस रिडक्शन इन विजिबिलिटी. अब आप बायो देखो, बायो पोल्यूशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू आर लाहौर या कराची चले जाओ, कराची में तो बेहतर है, लेकिन देयर इज एन ऑब्वियस रिडक्शन इन पोल्यूशन आउटसाइड पाकिस्तान इन यूरोपियन कंट्रीज. दैट इज वाई विजिबिलिटी इज मच ग्रेटर ओवर देयर एंड वहाँ फ्लाई करने, VFR का फ्लाई करने का एक्चुअल मजा भी आता है. या हम जाते हैं, अगर VFR फ्लाइट पे निकल गए तो आई तो हम खुद ही ढूंढ रहे होते हैं यार वो वाला ननकाना, या अच्छा वो भी आ रहा है, ऐसे हम ढूंढ रहे होते हैं. तो भाई आपको 5 मिनट पहले नजर आता है, हाँ यार वो देखो वो आ गया ननकाना, अगर ननकाना होता है मैं तो. So that is why visibility is really reduced in my videos also and generally in flying in Pakistan. Achha, fog, haze to maine cover kar liya. Mist and fog both are due to water droplets that start in November, December. So jab water droplets are condensed in the air, there's a relative humidity level.
हाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल की होती है आर एच फैक्टर, तो वो जब 0.95 के करीब 0.90 0.95, तो बेसिकली द वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस, जब कंडेंस होते हैं वाटर बिकम्स विजिबल, जिसको हम ड्यू पॉइंट भी कहते हैं. तो वन वाटर बिकम्स विजिबल तो ऑब्वियसली वो फॉग या मिस्ट जो आप सुबह देखते हैं ना, वो उसका एक लफ्ज भी होता है, उर्दू में मुझे याद नहीं आ रहा. पता नहीं, बाकी नहीं याद आ रहा. तो अच्छा खैर, तो बेसिकली जब वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम विजिबल तो योर विजिबिलिटी रिड्यूसेस. जैसे आप अगर लाहौर में रहते हो या पंजाब में रहते हो, तो यू कैन सी के जो विंटर्स के दरमियान फॉग होती है, ऑब्वियसली सुबह आपको नजर ही नहीं आ रहा था कुछ, दैट इज ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट्स, कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स. तो मिस्ट एंड फॉग में बस फर्क इतना है कि जब विजिबिलिटी ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट्स इज लेस दैन 1000, तो इट्स फॉग. And when it's 1000 meters, 1 kilometer, and when that visibility due to water droplets is between 1 kilometer to 1.5 kilometer, yani thoda sa zyada hai, aapko nazar thoda zyada aayega, that is known as mist. So that is a difference. These are three main types according to the Jepson ATPL books. Main uske lihaz se chalke aapko bata raha hu. Basically, basic reductions in visibility. अच्छा इसका एक और impact ऐसा भी आप देख सकते हैं कि when we are flying towards Shekhupura, अब Shekhupura के इर्द-गिर्द factories काफी होंगे आपको idea हो. तो वहाँ विजिबिलिटी बहुत लो होती है, वहाँ आप जहाँ लाहौर में इस वक्त 3 किलोमीटर है, वहाँ 1 किलोमीटर तक भी चली जाती है कभी कभी. लेकिन अगर आप साउथ की तरफ आ जाए, उकारा हो गया, चुंग और ओएसएस की टाइप मुल्तान रोड, तो वहाँ विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर होती है, वहाँ फैक्ट्रीज कम है, इंडस्ट्रीज कम है, तो विजिबिलिटी बेहतर रहती है. तो दैट इज एन ऑब्वियस इम्पैक्ट इन विजिबिलिटी. सो दैट इज वाई बच्चों एनवायरमेंटलिस्ट वाले हिस्से को वापस ले आते हैं, पोल्यूशन कम रखें, कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, बस use safety transport buses and just help the environment get better, because global warming bhi ek aa rahi hai phenomena, bahut kuch hai jo affect karta hai as our pilot. To ha ye basically maine isme bhi cover kiya tha, kafi log kehte hain visibility kafi nahi, matlab niche se dekhne mein aapko kafi lagti hogi, upar jaye na aapko aage nazar hi nahi aa raha hai kahan fly kar rahe. That is why kafi dafa visibility ke aise bhi we aren't also allowed to fly. Is flight pe bhi aap dekh sakte hain कि मुझे कुछ वक्त ही नहीं नजर आ रहा था काफी उस दिन. बाय मेटार रिपोर्ट विजिबिलिटी 2.5 किलोमीटर थी, दैट्स व्हाई वी वर फ्लाइंग आईएफआर. तो दैट इज अनदर इम्प्लीकेशन. सो आई होप यू एंजॉय दिस कंटेंट वीडियो. फॉर मोर आइडियाज, फॉर मोर कमेंट्स बिलो, एंड बस ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉय दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी.